सो हे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। और दोस्तों मॉर्निंग हो गई है भाई अगले दिन की, और तुम्हारा भाई एज यूजुअल निकल चुका है अपनी ट्रिप पे आगे की तरफ। कहीं पे बढ़िया सी कड़क चाय पिएगा और फिर देखेगा भाई समुद्र के किनारे के बीच साइड के नज़ारे। तो भाई अभी मैं निकल चुका हूँ, कहाँ पर अभी जा रहा हूँ मैं सीधे चाय को ढूंढने। तो भाई निकलते हैं, आओ। दोस्तों चाय पियेंगे, और भाई सच्चाई तो ये है कि भाई गोवा को इतनी जल्दी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी तो हमारे 2 दिन हुए, अभी 2 दिन और लगने वाले हैं यहीं पर। तो चलते हैं एक बार रोड साइड की तरफ। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं भाई बीच साइड पर, और व्यू का मजा लेंगे अभी। और कल हमने बात की थी अपने टूर की कि क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं, तो फाइनली वो चीज़ हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। और आज के दिन में अभी कुछ शेड्यूल नहीं है कि क्या करने वाले हैं, जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी हम इन्जॉय करते जाएंगे। बट अभी हमें होटल भी चेंज करना है अपना, क्योंकि हमारे होटल का चेक इन और चेकआउट भी आज ही है। तो अभी ये देखो दोस्तों कलंगूट बीच क्या है रेजिडेंसी गोवा। तो फाइनली बीच के किनारे पे आ गए, अभी यहाँ से चाय का मज़ा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बीच पर बिल्कुल पहुँचने के बाद। और चाय दोस्तों बहुत थोड़ी देते हैं, हमारे तो थोड़ी सी कुछ होता भी नहीं है, हमें चाहिए होती इतनी सारी चाय, और यहाँ देते हैं इतनी सी चाय, और वो भी कप में। कप ऐसे हैं जो हमारे यहाँ तो दिल्ली NCR में मिलते ही नहीं है भाई, ठीक है ना। चलो ऑलमोस्ट बीच दिखने लग गया है, पहुँचते हैं और मिलते हैं। दोस्तों फाइनली आज की वीडियो जो है थोड़ी इन्फॉर्मेटिव बनने वाली है, बिकॉज मैं थोड़ी सी बारीक वाली चीज़ें आपको यहाँ की बताने वाला हूँ। जो भी फैमिली वाले लोग इसको देखने भाई उनको मज़ा आएगा। एक्चुअली गोवा में कैसे इन्जॉय करना है ये तो आप ढूंढ ही लोगे, बट कैसे पैसे सेव करने हैं और सारी चीज़ों का मज़ा लेना है भाई, किन किन चीज़ों में नहीं फंसना है पहले तो वो बता दो। जितने भी मेरे भाई लोग यहाँ पे देख रहे हैं भाई, सबसे पहले शुरू करूँगा चाय से, क्योंकि चाय यहाँ इतनी सी मिलती है भाई, इतनी सी मतलब 2 घूंट में आप पी जाओगे पूरी चाय, और 20 रुपीज़ कप मिलती है, उससे छोटा चाय नहीं है इनके पास, ठीक है। चलो मैनेजर वाले कोई इशू नहीं है इतना। तो बाकी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है भाई टैक्सी का, स्कूटी का बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं, आपको कोई स्कूटी देगा ही नहीं, इवन गाड़ी भी नहीं देगा, भले ही आप पैसे ज़्यादा दो कम दो वो देंगे ही नहीं आपको। तो जिनको स्कूटी लेना है उनके पास लाइसेंस होना मस्ट है भाई, मस्ट होना ही चाहिए। अच्छा स्कूटी ले लोगे देन उसमें भी प्रॉब्लम बताता हूँ आपको, फ्यूल। आसपास कहीं पेट्रोल पंप नहीं होगा तो फ्यूल आपको औने पौने रेट पे मिलेगा। और क्या मिलेगा भाई, कैब लोगे, कैब वाला डिपेंड करता है कि वो आपको कितना बना सकता है, उस पर डिपेंड करता है, उसी हिसाब से आपको गाड़ी ऑफर करेगा। एक्स्ट्रा सीटिंग, हम सोचते हैं ना कि चलो गाड़ी ले लेते हैं, 4 की जगह 5 बंदे बैठा लेंगे, कौन देख रहा है। यहाँ पे पुलिस और ये सारे लोग इतने स्ट्रिक्ट है ना, इतने स्ट्रिक्ट हैं, मुझे नहीं पता वॉइस ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही, बट इतने स्ट्रिक्ट हैं कि उनका काम बस चेकिंग का ही है। आप ड्रिंक करके चला नहीं सकते, आपको स्कूटी पे जगह जगह चेकिंग होगी, आपकी गाड़ी लोगे तो आपकी 101% चेकिंग होगी और कई बार होगी, और गलती से भी ड्रिंक एंड ड्राइव में फंस गए तो भाई 10 से 15 हज़ार का चलाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नहीं करना भाई, स्कूटी आप ले लोगे लाइसेंस के बिना नहीं मिलेगी, फ्यूल का कॉम्प्लिकेशन है, स्कूटी का पार्किंग फिर आपको हर जगह लगेगा। आप ऐसा नहीं है कहीं रोड साइड, क्योंकि येलो प्लेट है वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं भाई, कहीं भी खड़े करके निकलोगे तुरंत कह देंगे सर यहाँ से हटाओ, या फिर स्कूटी के पार्किंग के पैसे दो। पूरे दिन में आपको स्कूटी बोल के देंगे 350 से 400, बट पूरा शाम तक अगर उसको इंक्लूड करोगे पार्किंग वार्किंग लगा के तो आपका 250-300 का तो पार्किंग लग चुका होगा शाम तक। तो ये तो आपको ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का बेस्ट ये
कि कोशिश करो होटल या जो भी लो वो मेन रोड की तरफ लो, सो दैट कि आपको जो यहाँ का पंजिम का जो गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट है वो मिल सके और वो मैनेजेबल है। वो 10 से 20 रुपए का टिकट है और आपको बीचेस वगैरह पे छोड़ देगा वॉकिंग डिस्टेंस पे, और वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा है। बाकी बीच बीच में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा दोस्तों। ये तो वो कहानी हुई जो मैंने केवल और केवल आपको बताई कि जो मैंने यहाँ महसूस किए, लोग आते हैं और मजे करते हैं। जहाँ खड़ा होता हूँ वहीं तक लहरें आ जाती हैं। आप देख रहे हो दोस्तों, जहाँ तक नजर जा रही है, जहाँ तक भी नजर जा रही है, आप लहरों की जो आवाज है वो महसूस कर सकते हो। चलो दोस्तों, थोड़ा सा लहरों के साथ बात करता हूँ, थोड़ा सा सुकून महसूस करता हूँ और आपसे भी थोड़ी देर के अंदर कनेक्ट भी करूँगा कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। और देख सकते हो दोस्तों, रात में जितनी चकाचौंध होती है ना, रात में जितनी चकाचौंध होती है, ये देखो यहाँ से चलते कहीं तक भी चलो, रात में जितनी चकाचौंध होती है भाई, दिन में उतनी मायूसी होती है। केवल मज़ा है बीच पे मॉर्निंग का, और भाई आफ्टर 4 PM आप इंजॉय कर सकते हो, उसका तो यहाँ पर मज़ा है। अदरवाइज दिन में अगर आप बीच पे नहा लिए, क्योंकि एक्साइटमेंट हम सब में इतना होता है ना कि हम रुकते नहीं हैं, एक्साइटमेंट में हम भाई घुस जाते हैं पानी के अंदर। और सच बताऊँ, पानी से इतनी इचिंग होती है, क्योंकि नमक वाला पानी होता है, सॉल्टेड वाटर होता है, तो भाई इतनी इचिंग होती है। और मोस्टली लोग जोश जोश में घुस तो जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं यार ये क्या हो गया, निकलते। और जो कहते हैं सनबर्न हो गया, ये हो गया, वो तभी होता है जब आप सॉल्टेड वाटर में नहाते हो और नहाने के बाद फिर बाहर आ जाते हो। चलो दोस्तों, अभी चाय वाला एक चाय पी चुके हैं, एक चाय वाला और आ जाए तो चाय पीते हैं, सो दैट थोड़ा सा और समुद्र के बीच को मजे कर सकें। सो दोस्तों, बहुत दूर चलता हुआ आ गया हूँ भाई, बहुत दूर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खड़ी है भाई बोट, और ये बोट्स भी ऐसी नहीं है, एक्चुअली मछुआरों की बोट है। देखो इसमें क्या क्या, पहले ये देखते हैं अंदर चल के। इन बोट्स में भाई बहुत बड़े बड़े जाले होंगे, क्योंकि ये फिश पकड़ने वाली बोट्स हैं। और देखो किस पे रखी हुई है, ये देखो कितना बड़ा नेट है, और सभी में ऐसे ही रखा हुआ है। और भाई तेल भी रखते हैं, और यहाँ अपने भगवान की फ़ोटो भी लगाई रखी है इन्होंने। चलो चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बोट्स खड़ी हैं, बहुत सारी, मतलब सच में बहुत सारी बोट्स खड़ी हैं, जहाँ तक भी नज़र जा रही है। ये देखो ये सारे मछुआरों के घर हैं। मछली का, अच्छा मछली पर ये वो है, अरे मैं बोले ये मछुआरों के घर है ना, ये मछुआरों के घर है सारे, जो पूरे पंजिम में होटल्स में उसमें वो करते हैं। ये मछली उन्होंने निकाल के मछली पकड़ के लाते हैं ना, एक कट गई मर गई, ये कौओं के लिए डाल दिए यहाँ पे मछली। सो दोस्तों देख सकते हो भाई, सूरज हमारे सामने है, और इधर देख सकते हो भाई, इधर प्यारी प्यारी लहरों की आवाज़, मतलब जो दिमाग को एकदम सुन्न कर रही है, अलग तरीके की फीलिंग आ रही है। और भाई पानी जहाँ भाई जहाँ भी मैं खड़ा होता हूँ वहाँ तक पानी आता है, और मैं पानी में भीगने का आज बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि सच में भाई बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, सॉल्टेड वाटर है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो आज मैं पानी में भीगने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और यहाँ पे देखो टूरिज्म के हिसाब से सुबह सुबह लोगों का काम शुरू हो जाता है भाई, चाहे वो फोटो सेशन का हो, चाय का हो, बोट का हो, या बनाना राइड का हो, बहुत सारी पैरासीलिंग हो, बहुत सारी 5-6 राइड ये लोग करवाते हैं, तो सुबह सुबह सबका काम शुरू हो जाता है। और जो मछुआरे यहाँ रहते हैं भाई, देखो वो बोट को किस तरीके से लाते हैं, रोल करते हुए लाते हैं, किस पर, जो आपके लकड़ी के जो ये होते हैं डंडों पर। और यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ भी पड़ी हुई हैं, क्यों, क्योंकि मछुआरे जब पकड़ के लाते हैं, और जो मछलियाँ बेकार होती हैं, कैसी भी होती हैं, उनको यहाँ डाल देते हैं। देखो कितनी सारी मछलियाँ पड़ी हुई हैं, अब इनको दिन भर में कौए वगैरह खा लेंगे, और खा भी रहे हैं। लेकिन सबसे प्यारी चीज़ है भाई समुद्र,
जो आपके ये समझ लो दोस्तों कि मन को ऐसी शांति देता है जबरदस्त वाली, दिल खुश हो जाता है। तो भाई हम थोड़ा सा और जाएंगे और उसके बाद रिटर्न होंगे, क्योंकि मॉर्निंग की टी का जो टाइम है भाई वो हमने ऑलमोस्ट इन्जॉय कर लिया है। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और ये देखो जहाँ भी आ रहा हूँ वहाँ तक पानी ऊपर आ ही जा रहा है, ये देखो देखो बुलबुले बुलबुले। अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और थोड़ा फोटो सेशन करते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों काफ़ी देर हो गई यार लहरों के साथ बात करते हुए, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वाइब हुआ है गहरा। देखो ये देखो जल्दी जल्दी भाई जहाँ तक भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना लहरें वहाँ तक आ जाती। देखो कितनी दूर तक लहराई है, बल्कि पूनम तो वहाँ पे कुछ कर रही थी लेकिन भाई लहरें आके सब बर्बाद। ये देखो हम जहाँ आ जाते हैं ना वहाँ तक लहरें आने शुरू होती है, लग रहा है हमसे इनको लगाव हो गया भाई लहरों को। मैं ये इधर आ जाओ, इधर नहीं आएगी मेरे ख्याल से, यहाँ नहीं आएगी, यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, पक्का प्रॉमिस। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर, और अगर मैं बोलूँ ना तो तुम उठ जाना फिर, ठीक है? अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, डोंट वरी डोंट वरी। और यहाँ देखो भैया डिज़ाइनिंग की जा रही है, आपको दिखाई जाएगी, डिज़ाइनिंग ऐसी बात नहीं है। ये लो जी प्रधानमंत्री मोदी पीएम, और देखते हैं अब ये कितनी देर में मिटता है, कौन सी लहर इसको लेके जाएगी अपने साथ, अब देखते हैं दोस्तों। हट जा भाई। तो भाई पूरी डिज़ाइनिंग वही है। एसएस कौन है? सीका है। अच्छा शिव शिव, ओके। ओ नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो भाई डिज़ाइनिंग हमारी तो चली रही है, ये देखो ये देखो, और कोई भी लहर में इतनी ताकत नहीं आ रही है जो यहाँ तक हमें छू सके। हालांकि लहरों की ताकत से हम पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, बट अभी तक किसी लहर की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो यहाँ तक आकर के और हमारा नाम वो निशान मिटा सके। देखते हैं दोस्तों कौन सी लहर यहाँ तक आती है। ओ भाई देखो दोस्त बिल्कुल किनारे से टच होके चली गई, कोई लहर यहाँ तक नहीं पहुँचेगी हमें पूरी उम्मीद है। हालांकि यहाँ पे पानी बहुत है। देखो दोस्तों इसने मछली पकड़ी यार, भाई कुछ निकले। हाँ तो वो धागा के वो तो कांटा फेंकते ना, कांटे में वो लगा के अब देखते मछली निकली, मछली तो निकली है, उसका धागा खींचा हुआ भाई, कोई बड़ी मछली पकड़ लिया। ये देखो ये, अरे नहीं यार ये तो खाली लेके आ गया भाई, अभी देखते हैं दोबारा से फेंकेंगे। ये देखो दो, देखते हैं मछली पकड़ के पकड़ में आती है कि नहीं आती है। डंडा तो बहुत टाइट हो रहा है भगवान जाने। भैया आई पकड़ में? नहीं क्योंकि मेरी आवाज़ ही नहीं गई यार, कांटा ऐसे ही सूख खिंच के आ गया है और ये फिर से फेंकने की फिराक में है। अभी पकड़ रहा है अपने कांटे को, चेक कर रहे भाई। ओ बहुत छोटी सी आई, बहुत अच्छा। नहीं वो तो चारा लगा, अब की आ जाएगी पक्का 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 पक्का। नहीं नहीं भाई, ओए 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 पुनः पुनः पुनः। ओ मिट गया दोस्तों, मिट गया भाई, लहरों ने बस रास्ता छोड़ा है बीचों से। और आप सोच रहे हो कि मैं लहरों से क्यों रहा हूँ, भाई बच इसलिए रहा हूँ, सच में बहुत सॉल्टी वाटर होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब सच में बहुत ज़्यादा। और आज मैं इस मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि भैया अभी पानी में जाऊँ। एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, हम जो है नॉर्मली जब गोवा की तरफ आते हैं तो भाई वो वाली स्लीपर लेके आते हैं जो ऊपर से पैक रहती है, ठीक है? बट जैसे ही आप सॉल्टेड वाटर में जाते हो और भाई सैंड जो है, रेत आपके पैरों में लगता है ना,
भाई उन चप्पलों में चलना इतना इतना दर्दनाक होता है कि आपके पैरों में छाले पड़ जाते हैं उन चप्पलों से। सो इस वजह से कल मैंने ये स्पेशली ये वाली स्लीपर्स खरीदी हैं और तब जाके सुकून आया, अदरवाइज भाई इतनी परेशानी हो रही थी ना। और मैं तो सारे बच्चों को वही वाली स्लीपर्स दिलवा के लाया था, सबको यहाँ पे मैंने दूसरी स्लीपर्स दिलवाई हैं, तो इसलिए मैं अभी सुबह सुबह भाई पानी में जाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। बट हाँ, अभी जब हम चेकआउट करके चेक इन करेंगे दूसरे होटल में तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें बागा बीच पे हमारा होटल है। ओए होए 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 होए, तो बागा बीच पे हमारा होटल है दोस्तों, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा सी फेसिंग रूम है, तो वहाँ से जो नज़ारे आएंगे वो अलग ही होंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई मॉर्निंग की अपनी इस पूरी कहानी को सुनाते हुए सीधे रूम पर, और बच्चों के साथ एंजॉय करूँगा भाई पूल के अंदर। ये नहीं तो हम चलेंगे। पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है मछली, कुछ आइडिया नहीं है। अगर उधर कांटा पहुंच गया तो भाई उधर तो मछली होनी चाहिए, रहता तो इसे किसी और तरफ था और खींचे किसी और तरफ से रहा है, तो देखते हैं मछली आती है कि नहीं इस बार। भाई कहाँ, नहीं भाई नहीं आया, नहीं खाली खाली खाली। चलो दोस्तों फोन हम तो काफी आगे निकल गए, भाई मैं चलता हूँ जल्दी से। सुबह सुबह कहीं यार फिर इतनी गर्मी हो जाती है ना कि आप दिन में भाई बिल्कुल बीच का मजा ले सकते हो पर कम ले सकते हो, क्योंकि सच में गर्मी बहुत होती है। तो आज के लिए और गोवा ट्रिप के लिए भाई कलंगूट बीच को आज हम बाय बोलेंगे, क्योंकि कल हम यहाँ नहीं आने वाले, कल हम रहेंगे दो दिन बागा बीच पे। और अभी चाय का मजा लिया जा रहा है भाई, देखो कैसी बन रही है, इतनी सी चाय में होता क्या ठीक है। हाँ यार हम लोग पीते भी तो बहुत ज़्यादा है, इतना बड़ा कप मिलता है दोस्तों, इतनी चाय तो गले तक भी नहीं पहुँचती मेरे को। ठीक है हो गया अपना काम, चलो चलते हैं। तो दोस्तों हम बस में सवार हो गए भाई दोनों के दोनों मॉर्निंग वॉक करके, और हम रूम पे पहुंचे। रूम हार्डली यहाँ से 1 किलोमीटर है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जस्ट इन्जॉइंग द डे। और पहुँचते हैं और भाई बच्चों से बात करते हैं। दोस्तों मॉर्निंग वॉक से भाई आ गए हैं बिल्कुल टहल टूल के, तो अभी के ब्लॉग में इतना ही भाई। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना यार अपने भाई को। अब फिर मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय।